गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोगों की रोकथाम पार्ट 8। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 50। तो आपको पता है रोग क्या होते हैं? रोग मतलब होता है बीमारी, कुछ भी हमारे शरीर में कुछ भी बीमारी हो जाती है उसे रोग कहते हैं। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो हमें ठंडी लगती है, तो ठंडी में क्या हो जाता है? सर्दी, जुकाम, खांसी। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गर्म कपड़े पहनना चाहिए। अभी आप लोगों की छुट्टियां क्यों चल रही है आपको पता है ना? क्योंकि हमारे देश में कौन सी बीमारी चल रही है? कोरोना। तो कोरोना भी ये सर्दी के कारण ही होती है। तो हमें क्या करना है? तो कोरोना जैसी बीमारी कितनी महामारी का रूप ले लिया, इसने हमें हमारे पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा गर्म कपड़े पहन कर रहना चाहिए और हमारे आसपास गंदगी नहीं फैलने देना चाहिए। खाने ताज़ा खाना खाना चाहिए और खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए, मच्छर मक्खी से बचाना चाहिए। हमारे आसपास आपने देखा होगा स्वास्थ्यकर्मी आते समय समय पे, आंगनबाड़ी की आंटियाँ आती हैं, वो हमें रोग से बचने के लिए दवाइयाँ दे के जाती हैं। और नगर पालिका वाले हमारे आसपास DDT का छिड़काव करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारे आसपास जो कीटाणु फैलते हैं वो नष्ट हो जाएँ और गंदगी में से हमें बचा सकें। ऐसी बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो कितना कीचड़ मच जाता है और कितने गड्ढे भर जाते हैं। तो उससे क्या होता है? मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो मच्छरों से हमें बीमारियां घेर लेती हैं। इन सब से बचने के लिए हमें अपना उपचार करना चाहिए कि हमें अपने आप को सावधान रखना चाहिए और हमेशा साफ़ सफाई बनाए रखना चाहिए। तो इसी पार्ट के इसमें यही बताया गया है कि रोगों की रोकथाम कैसे की जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 8, रोगों की रोकथाम। पार्ट 8, रोगों की रोकथाम। रोकथाम मतलब किसी चीज़ को रोकना। तो रोग मतलब बीमारी को रोकना। इसमें पूरा लेख में ये पूरा बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के महत्व व उपायों का वर्णन किया गया है। ये जो पाठ है इसमें क्या बताया है? स्वच्छ रहने के लिए स्वच्छता रखना, मतलब हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आसपास सफाई रखना ज़रूरी है। तो यही इस पाठ में पूरा विस्तार से समझाया गया है। बच्चों, आपने कुछ लोगों को नालियों और पानी के गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़काव अवश्य देखा होगा। आपने देखा होगा कि आसपास जो गड्ढे और पानी के गड्ढे और नालियाँ होती है उसमें किसका छिड़काव करते हैं? मिट्टी के तेल का। जानते हो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी मतलब जो स्वास्थ्य केंद्र मतलब हॉस्पिटल वगैरह में जो काम करते हैं वो उसके कर्मचारी होते हैं, जो हमारे आसपास के गड्ढे और नालियों में मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। इस प्रकार के केंद्र आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, अधिकतर हर मोहल्ले में आपको देखने को मिलेंगे और गाँवों में भी रहते हैं। हमारे शहरों में तो हॉस्पिटल होते हैं लेकिन गाँव में छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले लोग क्या कार्य करते हैं? स्वास्थ्य केंद्र में लोग क्या करते हैं आपको पता है? ये लोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला, रोगों को फैलने से रोकना, और दूसरा, उन रोगों का उपचार करना। तो इनका 2 काम होता है। पहले क्या करते हैं? रोगों को फैलने से रोकते हैं, मतलब उसकी रोकथाम करते हैं। फिर दूसरी बार अगर कोई रोग फैल भी जाता है तो उसका उपचार मतलब उसका इलाज करते हैं। अधिकतर बीमारियां चूहों, मक्खियों और मच्छरों के कारण फैलती है। इनको समाप्त कर देने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जो बीमारियाँ होती है वो किससे फैलती है? मच्छर, मक्खी, चूहों से। चूहों से प्लेग होता है, मक्खी मच्छरों से। मच्छर मक्खी गंदगी में आते हैं, फिर हमारे भोजन पर बैठ जाते हैं और वही भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम इन सब से हम अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। मक्खियों और मच्छरों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र के लोग घर घर जाकर DDT पाउडर का छिड़काव करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास घर की नालियों के आसपास DDT का छिड़काव। DDT क्या होता है? एक प्रकार का पाउडर होता है कीटाणुओं को मारने का। इससे मक्खियाँ और तथा बीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जो DDT का छिड़काव हमारे आसपास करते हैं उससे क्या होता है? मक्खियाँ और जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु है वो समाप्त हो जाते हैं। कीटाणु गंदगी में पैदा होते हैं। कीटाणु जो होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? गंदगी में। ये लोग नालियों के आसपास चूना डाल देते हैं। चूना भी मक्खी और मच्छरों को समाप्त कर देता है। ये जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी नालियों के आसपास चूना भी डालते हैं जिससे कि मच्छर मक्खी को समाप्त किया जा सके। नालियों और पानी से भरे गड्ढों में तेल डालने से मच्छर पैदा नहीं होते। अगर आपके आसपास कहीं पर नालियों में पानी भरा हो ना तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं? मिट्टी का तेल, जिससे कि मच्छर वहीं पर मर जाएंगे।
अगर नहीं डालेंगे तो आपने देखा होगा शाम के टाइम घरों में कितने भयंकर मच्छर आ जाते हैं। कुओं में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दी जाती है। जो कुएं का पानी होता है वो हमें पीने में काम में लेना रहता है, इसलिए इसमें दवाई डालती है पोटेशियम परमैंगनेट। इससे पानी में पैदा होने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अब आजकल आपने देखा होगा घरों घरों में फिल्टर लगाए, तो फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं? जिससे कि पानी के जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए और हमें साफ़ पानी मिल सकें और बीमारी फैलने का खतरा नहीं रहता। जब पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और इससे बीमारी फैलती नहीं है, हम इस पानी को पी लेते हैं। चेचक, हैजा आदि बीमारियाँ रोकने के लिए स्वास्थ्य केंद्र वाले घरों और स्कूलों में जाकर सबको इंजेक्शन लगाते हैं। आपने देखा होगा सबके हाथों पे एक निशान होगा चेचक के इंजेक्शन का, तो बचपन में ये चेचक के दागों इंजेक्शन लगते थे, तो जिनको नहीं लग रहे थे वो स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर उन बच्चों को इंजेक्शन लगाते। आपके स्कूलों में भी कभी कभी आती है ना नर्स दीदी आप लोगों को इंजेक्शन लगाने, तो वो किसके लगाती है? चेचक और हैजा जैसी बीमारियों के लिए। हमें यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि घर और घर के आसपास की सफाई बहुत ज़रूरी है, तो हमें ये बात एकदम से ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने घरों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमारे घर के आसपास का वातावरण भी हमें साफ़ रखना चाहिए। जैसे कि आसपास गंदगी हो उसको झाड़ू से साफ़ कर देना चाहिए और कचरे को हमेशा डस्टबिन में डाल के रखना चाहिए, और डस्टबिन का कचरा जब आपकी कचरे की गाड़ी निकलती है उसमें डाल देना चाहिए। कचरे को कभी भी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। बीमारी के कीटाणु गंदगी में उत्पन्न होते हैं। अगर आपके घर के आसपास गंदगी होगी तो उससे क्या होगी, कीटाणु होंगे, उससे आपके शरीर में बीमारी फैलेगी। इससे हमें कभी भी कचरा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। हमें खाने पीने की चीज़ों को ढककर रखना चाहिए। जो हम खाने पीने की चीज़ें रहती हैं उनको कभी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। गंदी और सड़ी गली चीज़ें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, पानी उबालकर पीना चाहिए। हमें बाज़ार में देखा होगा आपने कैसा खुला खाना रखा रहता है, तो वो सब खाना हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए। और बाज़ार का खाना बहुत बहुत दिनों का बना रहता है, तो वो सड़ा गला चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और हमें पानी को हमेशा उबालकर पीना चाहिए। क्यों उबालकर पीना चाहिए? जिससे क्या होता है पूरे कीटाणु ख़राब वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बरसात के दिनों में बीमारियाँ फैलने का खतरा अधिक रहता है। आपने देखा होगा बरसात में ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है, हैजा वगैरह जो होता है ना वो बरसात में फैलता है। उल्टी दस्त होते हैं ज़्यादातर, ये बरसात के दिनों में ही होते हैं, इसलिए इन दिनों में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बरसात में तो विशेषकर हमें उबला ही पानी पीना चाहिए और हमें अपने आसपास गंदगी इकट्ठी नहीं रखना चाहिए। बाज़ार में बिकने वाले कटे हुए फल और खुली हुई चीज़ें खाने से बीमारी फैलती है। बाज़ार में जो खुले फल मिलते हैं उनको भी हमें नहीं खाना चाहिए। फलों को घर पर ताज़ा लाकर धोकर फिर काटकर खाना चाहिए। बाज़ार में जो खाने पीने की चीज़ मिलती है ना उससे भी बीमारियाँ फैलती हैं। अगर हम स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वालों की सहायता करें तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ उनकी मदद हम करें, जैसे हम अपने घर के आसपास की सफाई रखें, हम अपने आप को स्वस्थ रखें, तो उनका काम आसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वे हमारी देखभाल और भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। जब हम अपनी साफ सफाई खुद रखेंगे, अपना स्वास्थ्य खुद रखेंगे, तो स्वास्थ्य कर्मियों को भी इससे लाभ मतलब मदद मिलेगी और वो इस काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो आपने समझा ना रोगों की रोकथाम क्यों जरूरी है, कि रोगों से कीटाणुओं से रोग फैलते हैं, तो कीटाणुओं से बचने के लिए हमें अपने आसपास गंदगी नहीं फैलने देना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए और समय समय पर DDT का छिड़काव करना चाहिए और पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए और फल सब्जियों को हमेशा धोकर खाना चाहिए। तो आपको समझ में आया आपको कैसे सावधान रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। चल अब दूसरा शुरू।